हेलो एंड वेलकम गाइस दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टेक्नो स्टडीज़ में। तो आज विजुअल बेसिक में कुछ टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है। तो पहला टॉपिक है गार्बेज कलेक्शन, दूसरा है नेम स्पेस, तीसरा है इवेंट और चौथा है क्या है प्रॉपर्टीज। तो पहले देख लेते हैं गार्बेज कलेक्शन क्या है। डॉट नेट फ्रेमवर्क गार्बेज कलेक्शन को मैनेज करता है। जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी को दे देता है और एक हीप को मैनेज करता है। जब यह गार्बेज कलेक्शन मेमोरी मैनेज करता है, तो यह हीप के अंदर ऑब्जेक्ट को चेक करता है और जिस ऑब्जेक्ट को चेक करता है और जिस ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं चाहिए होती है, उसे मेमोरी को अन्य ऑब्जेक्ट को दे देता है। यह गार्बेज कलेक्शन तब तक काम करता है जब सिस्टम में फिजिकल मेमोरी लो हो जाती है। गार्बेज कलेक्शन मेथड हर टाइम पर लगातार रन करता है। इस मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विजुअल डेवलपमेंट एंड इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम मैनेज एक्सिक्यूशन प्रोसेस मेटा डेटा नेम स्पेस कुछ एग्जाम्पल है इसके। तो नेम स्पेस देख लेते हैं। यह असेंबली में उपस्थित ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करता है। एक असेंबली में एक से ज़्यादा नेम स्पेस हो सकते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, इवेंट। इवेंट क्या है, किसी एप्लीकेशन के रन टाइम में यूजर द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए एक घटना घटित होती है। इस घटना को विजुअल बेसिक डॉट नेट में प्री डिफाइन अथवा यूजर डिफाइन मेथड द्वारा हैंडल किया जाता है। इस घटना को इवेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल है प्रोग्राम फॉर इवेंट। जैसे एक प्रोग्राम दिया है यहाँ, प्राइवेट सब बटन वन क्लिक बाय वैल्यू सेंडर एज सिस्टम ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू ई एज सिस्टम इवेंट आर्गुमेंट हैंडल बटन वन क्लिक मैसेज बॉक्स में क्या शो करना है, हेलो एंड सब हो गया। प्रॉपर्टीज क्या है, सब रूटीन और फंक्शन के एकीकृत रूप को माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल बेसिक डॉट नेट में प्रॉपर्टीज का नाम दिया है। प्रॉपर्टीज तीन प्रकार के होते हैं, रीड ओनली, राइट ओनली, रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो रीड ओनली प्रॉपर्टी, इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को केवल प्राप्त किया जा सकता है। रीड ओनली प्रॉपर्टीज क्या है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को केवल प्राप्त किया जा सकता है, इसे कोई वैल्यू नहीं दी जा सकती। विजुअल बेसिक डॉट नेट में रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाने के लिए निम्न सिंटैक्स का प्रयोग करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर रीड ओनली प्रॉपर्टी, नेम एज डेटा टाइप है, गेट स्टेटमेंट है, रिटर्न लोकल वेरिएबल इंड गेट इन प्रॉपर्टी। एक एग्जाम्पल है प्रोग्राम का, राइट ओनली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को केवल वैल्यू दी जाती है, परंतु इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। विजुअल बेसिक डॉट नेट में राइट ओनली प्रॉपर्टी बनाने के लिए निम्न सिंटेक्स का प्रयोग किया जाता है। सिंटेक्स है एक्सेस स्पेसिफायर राइट ओनली प्रॉपर्टी, नेम एज डेटा टाइप, सेट वैल्यू एज डेटा टाइप, लोकल वेरिएबल इक्वल वैल्यू, इंट सेट इन रीड रीड राइट प्रॉपर्टी। सॉरी यार, पहले मिस्टेक हो गया था। रीड राइट प्रॉपर्टी, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को प्राप्त किया जा सकता है और इससे वांछित वैल्यू भी दी जा सकती है। विजुअल बेसिक डॉट नेट में प्रॉपर्टी बनाने के लिए निम्न सिंटैक्स का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल है प्रोग्राम का, एक्सेस स्पेसिफायर प्रॉपर्टी, नेम एज डेटा टाइप, गेट स्टेटमेंट, रिटर्न लोकल वेरिएबल इन गेट, सेट वैल्यू एज डेटा टाइप, लोकल वेरिएबल वैल्यू इन सेट इन प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल है देख लो, WAP2 एग्जाम्पल टू रीड ओनली एंड राइट ओनली प्रॉपर्टी, पब्लिक क्लास माई डेट, डीम डेट लिखा है, इंटीजर डेट क्या है, इंटीजर है, पब्लिक राइट ओनली प्रॉपर्टी, DD एच क्या है, DD इंटीजर है, सेट वैल्यू एज इंटीजर है, इफ वैल्यू यहाँ कंडीशन लगा है 0 और 32 के बीच, इल्स में मैसेज बॉक्स में इनवैलिड डेट शो होना चाहिए, इंड इफ है, इंड सेट है, इंड प्रॉपर्टी है, पब्लिक राइट ओनली प्रॉपर्टी, MM एज इंटीजर है, यानी DD MM YY को लिया गया है यहाँ पर, सब वही है यार, देख लेना प्लीज़ यार। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ।